शिकायत इज सर फुल राइट सर पैन देंगे हां उधर जाओ कहीं पर जाओ तो ऑन एक्शन अभी बोलो पाएंगे राइट ओके पैन लेफ्ट पैन पीछे वाले बात पे लेफ्ट पैन ऑन एक्शन वो आ रहा
सर आपको नहीं सर आप देखिए पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर सकता लेकिन रणवीर यहाँ पे एक डिसगाइज लुक में जाता है एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए और ये मेरा डिसगाइज लुक है लंबे बाल और एक चश्मा भी है तो मीडिया वाले काफी सारे जवाब मांग रहे हैं जो अंडरवर्ल्ड को जो कि अंडरवर्ल्ड को जो मारा जा रहा है वो बारे में अंडरवर्ल्ड का क्या अंडरवर्ल्ड का जो खात्मा हो रहा है जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं
मीडिया वाले काफी सारे जवाब मांग रहे हैं, क्या बताना? अबाउट दिस, एक सेकंड कट कीजिएगा, कौन से? आज एक तो मेरा डिसगाइज लुक है, मैं एक क्रिमिनल बन के आता हूँ, लंबे बाल हैं और स्पेक्स है, और ये जो सीन है, ये पर्टिकुलर ये जो स्टोरी है एक पार्को के ऊपर है कि वो जो कलाबाजियाँ खा के दीवारों पे चढ़ जाते हैं या एक वॉल से दूसरी वॉल पे जंप करते हैं, उनके ऊपर स्टोरी है। तो उनका एक गैंग है, बड़ा ही ख़तरनाक, बड़ा ही डेंजरस, जिसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है, और वो ज़िम्मा सुपर कॉप्स के कंधों पर आ गया है। तो हम लोग बस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की, और कर भी लेंगे। मीडिया वाले काफी सारे जवाब मांग रहे हैं पुलिस वाले से, तो क्या बताना चाहेंगे? वो जवाब यही मांग रहे हैं कि एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इस एपिसोड में। जैसे हर एपिसोड में एक नया सीन, हर एक नया होता है, इस एपिसोड में क्या नया चीज़ है? पार्को सबसे नई चीज़ है, जो कि शायद टेलीविजन पर ये चीज़ दिखाई नहीं गई है कि एक तो हमारा एक्शन हमारा फोटे है, हमारे शपथ का जो मेन जो मुद्दा है वो एक्शन है, तो इसमें भरपूर एक्शन है। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए एनकाउंटर एक अच्छा जरिया है क्राइम खत्म करने के लिए? सच बताऊं तो मैं ये फील करता हूं कि एनकाउंटर से बड़ा कोई जरिया ही नहीं है क्राइम का। सीधे सीधे क्राइम क्या, क्राइम करने वाले को मिटा दो, नेस्त तो नाबूद कर दो। इस एपिसोड में काफ़ी शेड्स हैं, महा एपिसोड है, 2 घंटे का एपिसोड है, और हम लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एपिसोड को देखें, आप लोग रियली एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, स्पेशली एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और स्पेशलिस्ट लोग इसमें एक्शन कर रहे हैं। थैंक यू। मैडम क्या बताएंगी कि अंडरवर्ल्ड डॉन राका के मर्डर में किसका हाथ है? देख रहे हैं पीछे पूरा नीचे मचा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, माइक दे रहे हैं आपकी तरफ, चिल्ला रहे हैं। ड्रग लॉर्ड दास्कर को किसने मारा? राका को मार दिया, दास्कर को मार दिया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का जवाब है किसने मारा है, बताओ। देखिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे क्यों शांत हो जाए, ये मर गए वो मर गए, एक गैंग वॉर चालू है, तो मुझे बताइए आम आदमी कैसे सेफ रहेगा, बोलिए। ये मेरी विनती है आप शांत हो जाएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन सब क्राइम्स के पीछे इंटरनेशनल माफिया तकरान का हाथ है। माफिया डॉन ना? माफिया डॉन कैसे? माफिया लेकिन शांत हो जाएं। मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज शांत हो जाएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सब क्राइम्स इंटरनेशनल माफिया डॉन दकरान शांत हो जाएं। मेरी बात सुने, मैं आपसे विनती करती हूँ शांत हो जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सब क्राइम्स के पीछे इंटरनेशनल माफिया डॉन दकरान का हाथ है। दकरान? ये कौन दकरान? अंदर पासिंग दे रहा है, चप्पल उतार के आऊंगा मैं। लेकिन आपकी पुलिस फोर्स ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? दकरान का हाथ है, दकरान कैसे इंडिया में आ गया? कब इंडिया में आया? पुलिस वाले क्या कर रहे थे बताइए। देखिए ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, हमने दकरान के बेटे को अरेस्ट कर लिया है। रोलिंग एंड, अरे क्या कर रही है पुलिस? देखिए ज्यादा एग्रेसिव होने की, रोलिंग एंड, अरे पुलिस कर क्या रही है? देखिए ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, हमने दकरान के बेटे को अरेस्ट कर लिया है। दकरान के बेटे को अरेस्ट कर लिया? क्या वो भी क्रिमिनल है? और देखा तो चल गया रहा से। और ये आके आपकी बाजू में आके खड़े हुए, क्या ज्यादा हो गया? रोलिंग एंड, पुलिस कर क्या रही है? देखिए ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, फिर से रोलिंग एंड, अरे पुलिस क्या कर रही है? देखिए ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, हमने दकरान के बेटे को अरेस्ट कर लिया है। दकरान के बेटे को अरेस्ट कर लिया? क्या वो भी क्रिमिनल है? देखा चल क्या रहा है? दकरान मैंने सुना था कि आपको बोला था कि इसमें पहले आपने मना कर दिया। अरे आपको वही कॉम्बिनेशन है।
त्वचा वाला रेडी आई सर एंटर ओ माय डॉग ये इधर इधर देख तू एंटर करना मैं हां ओके तो गरीबों को पहले तो और आगे रखा एक बार आई इधर थोड़ा सा मसाज भी है अभी मेरा डायलॉग है ना देखो गरीबों को थोड़ा अभी आपका डायलॉग अभी उठ के अभी कोशिश में पड़ा रेडी मैं क्या बोल रही हूं हां अच्छा मुझे लगा मैं क्या बोल रहा हूं सैम हां इनके एंटर होने के बाद कुछ बोल रहा है वो मास्टर हां तकरान का बेड़ा भी ये ले लो मीट हां तो अभी तो इनकी एंट्री एंट्री के बाद मैडम एक ओके इधर तकरान का बेटा भी उसी की तरफ एक क्रेन रोलिंग या एक्शन तकरान का रोलिंग एक्शन तकरान का बेटा भी उसी की तरफ क्रिमिनल कॉम्बैट कॉम्बैट कर लेते हैं जैसे आगे एक बड़ा मार देंगे हां जी फ्लैट दिया सर और ऐसा हां सर वॉइस और ऐसा मुंडी क्रॉस कट बना रखा है पहले दो स्टाइल है सर ऐसा स्टेट है अच्छा नो सर बोल चाहिए अंदर एंटर होता है लेकिन सर देखते फिर आप बोल रहे हो इधर आओ आओ अंदर से करिश्मा ऐसा मत और नीचे सब वो थोड़ा सा अफरा तफरी है एंड एक्शन हां तकरान का बेटा भी उसी की तरह एक क्रिमिनल है खुन्नस से देखो मैडम उनको जैसे कि खुन्नस से देखो इस क्रिमिनल को कॉर्स पहचानिए इस आदमी को काफी लाने आपको ये ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा ये वो सीढ़ी है जो हमें तकरान तक पहुंचाएगी ये तो दोनों के बीच में क्या कर रहा है रोलिंग हैंड एक्शन अरे क्या करेगी पुलिस पुलिस के टॉर्चर के सामने ये ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा ये वो सीढ़ी है जो हमें तकरान तक पहुंचाएगी तो टेंशन करिश्मा जी और जेसी जी का लुक एक्सचेंज नोडिंग और इनको लेके और ब्लॉक धक्का लगा दीजिए अरे आगे कूदा दिया एक्शन ये वो सीढ़ी है जो हमें तकरान तक पहुंचाएगी हे भगवान आजकल की स्त्रियां अरे आज के सीन के बारे में एक एक मिनट मेरे को अभी ये सीन शूट किया जा रहा है जिसमें हम दरकान के बेटे को पकड़ते हैं और मीडिया के सामने एक्सपोज करते हैं क्या आपको ऐसा रियलिटी में लगता है कि एनकाउंटर एक ऐसा जरिया जिससे क्राइम को सारे क्राइम तक पहुंचा जा सकता है बहुत हद तक अगर क्रिमिनल उस लेवल का है कि एनकाउंटर मैं एनकाउंटर के हक में हूँ आई डोंट नो अबाउट अदर्स इस एपिसोड में पार्कोस करके देखिए आप मुझसे कुछ